हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ठगी के नए नए केस, स्कैम डेली आज हम लोगों के सामने आते चले जा रहे हैं। इंसान ने अपनी बुद्धि का विकास तो कर लिया, टेक्नोलॉजी में भी वो कहीं बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अपनी बुद्धि का गलत उपयोग करके आज एक इंसान दूसरे को ठगता जा रहा है। ठगी के शिकार हो रहे हैं वो लोग जो लाख सावधानी बरते हैं, लेकिन फिर भी जो ठग हैं वो नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगने का नया तरीका अपनाते जा रहे हैं। लोग परेशान हैं कि किस तरह से अपना बचाव किया जाए। रिसेंटली एक नया तरीका ठगी का सामने आया। दिल्ली के एक इंसान का 50 लाख रुपया सिर्फ मिस्ड कॉल उठाने के चक्कर में चला गया। बहुत अलर्ट रहिए आप लोग भी, क्योंकि अक्सर हमारे पास बहुत सारे ऐसे दिन भर में कॉल्स आते हैं जिनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रहता, यानी जिनका नंबर हम सेव नहीं किए होते हैं। लेकिन यदि वो ऐसे कॉल होते हैं जो हमें लगता है कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, या कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट कॉल्स अभी आ सकते हैं अननोन नंबर से, तो हम लोग उसे रिसीव करते हैं। उस इंसान ने भी जब 2-3 बार मिस्ड कॉल जो आया उसमें हेलो हेलो उसने कहा, और सिर्फ इतना ही कहा, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन कुछ देर के पश्चात उसके मोबाइल पर मैसेज आया कि उसके अकाउंट से 3 ट्रांजैक्शन 20, 20 और 10 के हो चुके हैं, यानी 50 लाख रुपए गायब हो चुके हैं। जबकि उसने ना कोई OTP शेयर किया, क्योंकि उसके पास कोई OTP नहीं आया था, ना ही उसने किसी का मैसेज रीड किया, ना ही उसने व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए किसी से कॉन्टेक्ट किया। तो फिर सिर्फ मिस्ड कॉल किसी ने दिया है और उसने उस पर कॉल कर लिया, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं, और इसी तरीके से उसके अकाउंट से 50 लाख गायब हो गए। आजकल पहले क्या होता था कि लोग वार्निंग देते थे कि अपनी OTP किसी से शेयर नहीं करनी है, अगर OTP शेयर कर दी तो बैंक के खाते से नुकसान हमें भुगतना पड़ सकता है। लेकिन आज अब देखिए कि सिर्फ मिस्ड कॉल, आपने किसी का कॉल उठाया और सामने से किसी ने रिस्पॉन्स यदि नहीं दिया तो भी आपके बैंक के खाते से पैसे माइनस हो सकते हैं। तो बहुत केयरफुली आप अब से कॉल उठाया कीजिए उन अननोन नंबर्स का जिनका रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। तरह तरह के स्कैम्स आज के युग में देखने के लिए मिल रहे हैं, साथ ही साइबर अटैक। रिसेंटली दिल्ली के एम्स से डेटा चुराने की कोशिश की गई, उनके सर्वर पर साइबर अटैक हुआ। दिल्ली की स्पेशल सेल ने ये पता लगा लिया है कि ये काम चाइना ने किया है। हांगकांग के 2 मेल आईडी को उन्होंने पहचान की है उसकी, जिसके द्वारा ये काम किया गया है। VVIP के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बातें उस डेटा के अंदर रहती हैं, स्टोर की रहती है, क्योंकि हॉस्पिटल हैं, सभी लोग एडमिट हो रहे हैं, तो सभी की जानकारियाँ ओरली वर्बली हम अगर कहीं पर लिखें या पेपर पर लिखना पॉसिबल नहीं होता है, तो अक्सर कंप्यूटर पर लैपटॉप पर फाइल बनाकर स्टोर कर दी जाती हैं। लेकिन 2022 में सिर्फ एम्स ही नहीं बल्कि और भी कई जगहों पर साइबर अटैक की घटना सामने आई है। लेकिन ये एम्स के सर्वर पर जो साइबर अटैक हुआ, 3-4 दिनों तक काफ़ी परेशानी हॉस्पिटल में रही, पेशेंट को मैनुअली पेपर वर्क करके दिया गया, ना कंप्यूटर ओपन हो रहा था ना ही लैपटॉप, हैकर्स ने हैक कर लिया। यानी साइबर अटैक और स्कैम आप देख रहे हैं कि 2022 में बहुत अधिक हुए हैं। आगे के
समय में यानी 2023-24 ये टिकट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, आप ठगी के शिकार ना हो, साइबर अटैक के शिकार ना हो, इसके लिए खुद को रखिए सावधान और अपने मोबाइल पर या अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर हमेशा ध्यान रखिए। किसी भी अननोन पर्सन से जब आप उसको जानते नहीं हैं कांटेक्ट मत कीजिए, लेकिन कहा है ना कि लाख सावधानी आप कर लें। आजकल क्रिमिनल माइंड कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गया है, क्योंकि उन्हें नौकरी करनी नहीं है, शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने हैं और डेटा चोरी करके लोगों के द्वारा लोगों की जानकारियां प्राप्त करके अब ब्लैकमेल करना है और ब्लैकमेल के ज़रिए उन्हें पैसे कमाने हैं, थोड़े ही समय में खूब ज़्यादा पैसे कमाने हैं। अब सवाल ये होता है कि ये जो स्कैमर्स हैं या साइबर अटैक्स हो रहे हैं, ये जब कल की अवतार धरती पर हैं उनके अराइवल के पश्चात ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी घटना इस ब्रह्मांड में घटती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। आज टेक्नोलॉजी में इंसान इतना आगे बढ़ गया है कि उसे लगता है कि उसने सब कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन यही टेक्नोलॉजी उसके लिए आज जानलेवा साबित हो रही है, क्योंकि बिना कंप्यूटर लैपटॉप के मोबाइल के आज हम अपना जीवन अधूरा समझते हैं। ये क्यों लाई गई मनुष्य के जीवन में टेक्नोलॉजी? ताकि इंसान अपने जीवन में उन्नति कर सके, लेकिन उन्नति करते करते आज एविल पीपल अपने माइंड का दुरुपयोग करके, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके दूसरों को हानि पहुंचाकर खुद के लिए लाभ लेने की सोच रहे हैं। लेकिन कल की अवतार के अराइवल के पश्चात भी ये घटनाएं लगातार इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि वो हम सभी के लिए एक अलर्ट हैं कि किसी भी चीज़ का मिसयूज़ न करें, हमेशा सावधान रहें, खुद से ज़्यादा किसी और पर भरोसा ना करें, क्योंकि आपकी बुद्धि जितनी विकसित है गलत बुद्धि वाले लोग आपसे कहीं ज़्यादा एक्टिव हैं आज की दुनिया में। तो नए नए तरीके के क्राइम जब हमारे सामने आ रहे हैं उसके द्वारा मानव जाति के लिए एक चेतावनी कल की अवतार के द्वारा दी जा रही है कि आप अपने आप को स्मार्ट मत समझिए, क्योंकि आपसे कहीं अधिक क्रिमिनल्स आज स्मार्ट हो गए हैं अपनी कुबुद्धि के द्वारा, क्योंकि उन्हें सही रास्ते पर चलना नहीं है तो वो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। ब्लैकमेल करने का तरीका उन्हें सबसे आसान लगता है कि दूसरों को ब्लैकमेल करो और पैसे कमा लो। क्रिमिनल्स लगातार आगे भी बढ़ते जाएंगे, क्राइम में लगातार इजाफा होगा, लेकिन रहना पड़ेगा एक कॉमन इंसान को सावधान। एम्स में हर तरह की सावधानियां बरती जाती हैं। जब वीवीआईपी का एडमिशन होता है वहां पर, क्योंकि वीआईपी नहीं, वीवीआईपी वहां पर जाकर एडमिट होते हैं, एम्स बहुत अधिक फेमस है। दिल्ली के एम्स में जब कोई एडमिट होता है तो उसकी सारी जानकारियां, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके इस तरह से डेटा में रखी जाती हैं कि वो लीक ना हो। लेकिन साइबर अटैक के द्वारा आज क्रिमिनल्स वहां भी पहुंच गए हैं और इस तरह से दिल्ली के पुलिस सेल ने ये पता लगा लिया कि हांगकांग के 2 ईमेल आईडी से ये साइबर अटैक हुए हैं और चाइना से जानकारी मांगी गई है, क्योंकि चाइना वैसे भी फेमस है दूसरे देशों के पीठ में खंजर घोंपने के लिए। उसे सिर्फ अपना नफ़ा दिखता है, अपना मुनाफा दिखता है। तो कल की अवतार के द्वारा ये दूसरों को एक अलर्ट जारी किया जा रहा है कि आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है,
इसलिए जितनी अधिक सावधानी हम बरतें उतना ही अधिक हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि कल की अवतार घोर कलयुग में जब उनका अराइवल हुआ है और अब तो काफ़ी समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है वो समय और अधिक बुराई की ओर चलता चला जाएगा, क्योंकि जब बुराई अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी धर्म का एक पैर टूटेगा तभी दुनिया में महाविनाश और महाप्रलय लोग देखेंगे और उनके सिर पर जो ईगो का भूत आज चढ़ गया है वो धीरे धीरे खत्म होगा और तभी एक नए युग का प्रारंभ हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।